तो फिर से हम आ गए हैं छठी मैया के घाट में। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और ये देखिए काफी ज्यादा भीड़ है और खूबसूरत लग रहा है छठी मैया का घाट। ना सारे लोग जो सूर्य देव को उगने का इंतजार कर रहे हैं हाथ जोड़ के और विनती कर रहे हैं सारे लोग। ये देखिए काफी ज्यादा भीड़ है। चलिए मैं सामने से जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हाथ में पान और सुपारी लेके माताएं और बहनें जो है सूर्यदेव के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर गाइस माताओं का इंतजार खत्म हुआ, अब अर्घ देना शुरू हो गया। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों कुछ लोग जो है वो गड्ढे बना के छठ पूजा करते हैं। चलिए मैं वहां भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये तरीका है पूजा करने का, छोटा सा गड्ढा करके उसमें जो है पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल वेदिका शिव व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है छठ पूजा और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, आप सभी भाई को, सभी बहनों को, सभी माताओं को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं छठ घाट पे। ये हम लोग जा रहे हैं और पीछे में डाला लेके आ रहे हैं सारे लोग। ये देखिए वेदिका कितना खुश है, देख सकते हैं आप गाइज। ये पूरा भारत में बहुत ही धूम धड़ाका से मनाया जाता है और यहाँ तक कि ये छठी मैया का पर्व विदेशों में भी मनाए जाते हैं अच्छे धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। ये है हम लोगों का घाट, छठी घाट, छठी मैया का यहीं पे। अभी सारे लोग अभी आ ही रहे हैं, आज पहला अर्घ है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से सजाया गया और इसका इधर का गेट भी आप देख सकते हैं। देखिए बहुत तरीके अच्छे तरीके से सजाया गया है यहाँ पे। सारे लोग एक दूसरे का जो है फोटो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों जिनको जिनका नदी से काफ़ी दूर होता है घर, तो वो लोग उतना दूर नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर के आगे भी गड्ढा कर करके इस त्यौहार को करते हैं। पर करते जरूर हैं, इतनी श्रद्धा और शक्ति से, इतनी श्रद्धा के और विश्वास के साथ करते हैं कि गड्ढे को गड्ढे करके उसमें पानी डाल के उसको गंगा माँ मान के उसका अर्घ देते हैं उस जल से। इधर देखिए बच्चे लोग जो है पेड़ में झूला लगा है और इसको जो है एंजॉय कर रहा है इधर। ये देखिए दोस्तों अभी 15 मिनट हो गया, अभी भी जो है दौड़ा आते ही जा रहा है। देखिए कितना भीड़ हो चुका है दोस्तों, जगह नहीं मिल पाता यहाँ पर आप देखते हैं। और कि मैं वहाँ पे नजदीक जाके अर्घ देते हुए दिखा नहीं सकती। बहुत देर इंतजार किया मैंने भीड़ छटने का गाइस। अभी बिल्कुल फ्री होने के बाद जहाँ जहाँ अर्घ दे रहे हैं मैं वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि मैं जो है दिखा नहीं पाया। देखिए छठी घाट पे गोलगप्पे और समोसे का भी दुकान लगाया गया है, जो लोग नमक खा सकते हैं वो लोग यहाँ पे भी खा सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं भी समोसा ले लेता हूँ वेदिका की मम्मी के लिए, क्योंकि वो बोली थी ले लेने के लिए, तो गाइज मैं ले लेता हूँ।
अंकल जी मना रहे हैं। तो गाइस हम आ गए हैं घर और ये देखिए वेदिका और वेदिका की मम्मी के लिए ये लाए हैं, तो थोड़ा हम भी खा लेंगे। ये खाएगी, इस पहले इनको खिला देते हैं थोड़ा सा चाट। वेदिका को पहले खिलाते हैं थोड़ा सा, ये तीखा लगेगा ना। देखिए ये देखिए ये देखिए वेदिका कैसे खा रही है, देखिए थोड़ा सा चटाए, ये देखिए कैसे इसको लग रहा है दोस्तों। और खाएगी इसको दोस्तों, तीखा लग गया। ये देखिए अब इसको खिला रहे हैं, खा लो ना प्यार से खिला रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो हाथ से भी खा लूंगा, है ना। ये देखिए खिला दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।